ये मेरे पास Vivo V25। आज मैं इसके कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप ये फोन बाय कर चुके हो या करने वाले, दोनों ही केस में आपकी वीडियो काम की है। वीडियो लास्ट तक देखना, इस वीडियो के बाद आपकी कैमरा की जो फोटोग्राफी है वीडियोग्राफी ना दोनों इंप्रूव होने वाली। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और ये किसी भी नॉर्मल फोन के साथ भी अप्लाई होता है। V25 आपके पास है ना स्पेशली, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है ना वो है 1x की जगह 2x पे फोटो आप लेते हो ना, जब आपको मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, 1x साइड बाय साइड आपको दिखा दूंगा 1x 2x में कितना डिफरेंस आता है। तो जब भी आप फोटोज लो ना तो आप ट्राई करो कि 1x की जगह 2x पे आप शिफ्ट करो, तो जो पिक्सल साइज होते हैं वो बढ़ के दिखते हैं और फ्रेम भी काफी अच्छा बड़ा दिखता है। तो जो पहला ट्रिक है ना वो 1x की जगह आप 2x पे फोटो लेना। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरे टिप की तरफ। जो दूसरा है ना वो है अल्ट्रा वाइड वीडियोस। मैं आपको एक साइड नॉर्मल वीडियो दिखाता हूँ और एक साइड अल्ट्रा वाइड का वीडियो दिखाता हूँ। आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा एरिया कवर होता है अल्ट्रा वाइड में और वीडियोस भी काफ़ी स्टेबल बनते हैं। तो भाई अल्ट्रा वाइड अगर आपके फ़ोन में है ना तो उसको जरूर यूज़ करना, ताकि आपकी फोटो जो वीडियोस है ना वो काफ़ी अच्छी आए। एक आपको फोटोग्राफी टिप देता हूँ, जिससे जब भी आप फोटो लेते हो ना तो अपने आपको या जिसका भी आप फोटो ले रहे हो उसको फ्रेम के मतलब 30% एरिया में रखना। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो एक साइड मेरी फोटो और ज़्यादा फ्रेम में कुछ चीज़ें आ रही, बैकग्राउंड आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो कुछ स्टोरी दिखाएगी, तो आप उस टाइप से फोटो लेंगे। मतलब 30% हिस्से में ही आप होंगे और बाकी सारे में बैकग्राउंड रहेगा और आपके सामने मैंने सैंपल दिखा दिए। ये जब आप यूज़ करोगे ना फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। Vivo V25 में ना बुक के फ्लेयर पोर्ट्रेट है। जब आप पोर्ट्रेट में जाते हो उसमें आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा FX पे। यहाँ पर आपको डिफॉल्ट भी मिलेगा, हार्ट्स भी मिलेगा, बटरफ्लाई मिलेगा और अलग अलग कलर के आपको यहाँ पर फ्लावर वाला फिल्टर मिल जाएगा। तो सारे फिल्टर हमने ट्राई किए। जब आप इनमें फोटो लोगे ना फोटो थोड़ी डिफरेंट दिखेगी, यूनिक दिखेगी। सोशल मीडिया पर डालने के बाद भाई कॉमेंट अच्छे अच्छे आएंगे। यहाँ पर V25 में ना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो आप जब बनाते हो ना, तो मैं आपको एक साइड बाय साइड डिफरेंस दिखाता हूँ कि नॉर्मल और बैकग्राउंड ब्लर में कितना फर्क आता है वीडियोस में। तो भाई आप जब भी वीडियोस बनाते हो ना तो पोर्ट्रेट मोड जरूर यूज़ करना। अगर आप क्रिएटर हो, ब्लॉगिंग वगैरह करते हो या फिर आपको बी रोल्स वगैरह दिखाना ना, तो ये बुके फ्लेयर पोर्ट्रेट या जो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो ना काफ़ी काम का है। यहाँ पर आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, मतलब दोनों कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, फ्रंट भी और बैक भी सेम समय पे। तो इसमें क्या होता है ना, व्लॉगर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप सेम समय पे बैक भी दिखा सकते हो, फ्रंट भी दिखा सकते हो, अपने इमोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो और जो आप दिखाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये आपको मोर में जाने के बाद डुअल व्यू नाम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप 4K पर रिकॉर्ड करते हैं ना जब, तो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है, ऑटो फोकस भी अच्छा मिलता है और जो डिटेल है ना जब अपलोड करते हो तो उतनी लेस नहीं होती। मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ सभी के, 4K का भी आप रिजल्ट देख लीजिए। यहाँ पर जब भी आप फोटोज़ लेते हो तो जो नॉर्मल फोटो तो ठीक है, बट आगे अगर फोटो में ज़्यादा डिटेल है जैसे ट्री है, स्का है, सन का फोटो ले रहे हो सेम टाइम पे सारी चीज़ें हैं, तो आप हाई रिजोल्यूशन यूज़ करो। आपको मोर में जाना है, वहाँ पे आपको हाई रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, देन आप फोटो लो तो जो डिटेल है ना वो ज़्यादा आएगी और आप ज़्यादा जूम कर पाओगे, एरिया भी ज़्यादा कवर करेगा। तो भाई हाई रिजोल्यूशन पर आप फोटो लो, सैंपल देखो, देन आपको पता चलेगा। एक ट्रिप तो भाई काफ़ी अच्छी काम करती है, वो है लो एंगल्स फोटोज़। मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप फोटो को लो एंगल से लेते हो ना काफ़ी तगड़े तगड़े फोटो निकल कर आते हैं। आपके सामने सैंपल भी शेयर करता हूँ, देन आपको पता चलेगा कि लो एंगल का क्यों बोल रहा हूँ। सो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मतलब ये कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है जो फर्स्ट टाइम कैमरा यूज़ करेगा। और आपने ये कैमरा के लिए बाय किया ना भाई, सारी चीज़ें यूज़ करना और कुछ भी डाउट होता कमेंट करना, उस पर हम वीडियो ला देंगे डेडिकेटेड या फिर रिप्लाई कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।